السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज का ऑनलाइन शिक्षण मध्य सर्व विद्यार्थ्यांचा मनपूर्वक स्वागत व सर्व पालकांचा विद्यार्थ्यांचा हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करतो। आप तमाम का ऑनलाइन तालीम सिलसिले में वालेकुम अस्सलाम खैर मकदम है। इसको पाल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण विषय मराठी उर्दू माध्यम दिनांक 15 सप्टेंबर 2020 इत्या पांचवी वेड 8:55 ते 9:40 शिक्षक आहे नासिर खान अतौल्ला खान शाळा शाहजीनगर मनपा उर्दू शाळा क्रमांक 3। आपले विभाग निरीक्षक आहे बीओ आरिफ सलीम शेख आणि सीएनओ मोहसिन साहिल सर। प्यारे बच्चों, आपसे कुछ तमहीदी सवालात करने हैं। आप लोग बगौर सुनिए, उसके बाद सवालात के जवाब आपको देना है। इससे पहले के आप लोगों को घर काम के लिए एक सवाल दिया गया था, तुमच्या घरी कोणकोणते सण साजरे होतात, तुम्हाला आवडणाऱ्या कोणत्याही एका सणाची माहिती लिया। उम्मीद है आप लोगों ने इस सवाल को कंप्लीट किया होगा और आप आपके क्लास टीचर को आपने बताया होगा। इसी के साथ साथ आज हमारे इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आपसे कुछ सवालात मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को इन सवालात के जवाब देना है। काही प्रश्न आहे मी तुम्हाला विचारणार आहोत, त्या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला द्यायची आहे। माझा पहिला प्रश्न आहे, प्रश्न क्रमांक 1, आम्हाला आवडणारे दोन सण सवाल नंबर 1 है, तुम्हाला आवडणाऱ्या कोणत्याही दोन सणांचे नाव सांगा। प्रश्न क्रमांक 1, तुम्हाला आवडणाऱ्या कोणत्याही दोन सणांचे नाव सांगा। आप लोगों को पसंद आने वाले कोई त्योहारों के दो नाम बताना है। बताइए बच्चों जल्दी। ईद व बकरीद। ईद व बकरीद, बहुत अच्छे बेटा। प्रश्न क्रमांक 2, तुम्ही कोणकोणते कार्यक्रम पाहिले, कोणत्याही दोन कार्यक्रमांचे नाव सांगा। आपने कोई दो प्रोग्राम देखे होंगे, उन दो प्रोग्रामों के नाम आपको बताने। बताइए बेटा। सर्व विद्यार्थ्यांना ह्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत। आप सभी बच्चे इस सवालों के जवाब दे सकते हो। सवाल आसान है, तुम्ही कोणकोणते कार्यक्रम पाहिले, कोणत्याही दोन कार्यक्रमांचे नाव सांगा। आपने जो दो प्रोग्राम देखे, किसी दो प्रोग्राम के नाम आपको बताना है। बताइए बच्चों। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3, तुम्ही कोणाचा वाढदिवस कसा साजरा करतात। आप लोग किसी का यौम पैदाइश बर्थडे कैसे मनाते हो, वो आपको बताना है। वाढदिवसाची शुभेच्छा देतात। हाँ, वाढदिवसाची शुभेच्छा देतात। हाँ, आप लोग उसको मुबारकबाद देते हो, और कैसे करते हो बेटे, उर्दू में भी बोल सकते हैं आप लोग सवालात के जवाब। कोशिश कीजिए मराठी में बोलने की, वरना आप उर्दू में बोल सकते हैं। हम क्या करते हैं, किसी का खुशी का मौका रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी का यौमे पे बुलाते हैं। हाँ, और उसको जी आपस में खुशी महसूस करते हैं, एक दूसरे को मुबारक। हाँ, सबको बुलाते हैं, खुशी होती है। केक काटते हैं।
यस यस बेटे, बहुत अच्छे जवाब दिए। पहला सवाल जो पूछा गया था उसके अंदर जवाब दिया गया प्रश्न क्रमांक एक, आम्हाला आवडणारे दोन सण रमजान ईद व बकरी ईद आहे, यानी हमको पसंद आने वाले दो त्यौहार रमजान ईद और बकरी ईद इसलिए लिखा गया इसलिए कि इसको मराठी में रमजान ईद और बकरी ईद कहते हैं। हम लोग रमजान ईद को ईद उल फित्र कहते हैं और बकरी ईद को ईद उल अजहा कहते हैं। मराठी का सवाल था इसलिए मराठी के जवाब में लिखा गया। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था उसका जवाब है कि आम्ही लगन वाढदिवस हे दोन कार्यक्रम पाहिले, यानी आप लोगों ने शादी और किसी का यौम पैदाइश आपने देखा है, ये प्रोग्राम दो देखे हैं। सवाल तीन पूछा गया था उसका जवाब नंदाने नाश्तो, किसी का यौम पैदाइश रहा वाढ़दिवस रहा तो हम क्या करते हैं आनंदाने नाश्तो, यानी आनंद यानी खुशी से, नाश्तो यानी हम लोग रिक्स कर रहे हैं यानी नाचते हैं खुशी महसूस करते हैं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आज हम हमारी मराठी की एक नज़म आनंदाने नाचूया इस नज़म को पढ़ेंगे। आज मराठीची कविता क्रमांक एक आनंदाने नाचूया या कवितेला शिकूया, इस आनंदाने नाचूया इस नज़म के शायर जो है के नारखेड़े है। आनंदाने नाचूया ह्या कवितेचे जे कवि आहे थे के नारखेड़े आहे, के नारखेड़े शायर हैं। नज़म लिखने वाले को हम लोग शायर कहते हैं और सबक लिखने वाले को मुसन्निफ कहते हैं। आनंदाने नाचूया हमारी मराठी किताब की ये पहली नज़म है और इसके शायर है के नारखेड़े। अब देखो यहाँ हम लोग दो तस्वीरें देख रहे हैं, ये दो तस्वीर के अंदर हम लोगों को बच्चे नाचते हुए नजर आ रहे हैं। वाचा ऐका यानी सुनो, वाचा और पढ़ो, चला गड्यांनो खेळूया आनंदाने नाचूया, चला गड्यांनो खेळूया आनंदाने नाचूया। आता ह्या कवितेचा आपण व्हिडिओ पाहू आणि त्याला तार सुरात कसे म्हणा कवितेचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आपण कवितेचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आपण ह्या कवितेला समजूया। आनंदाने
हम लोगों ने इस नज़म को तरन्नुम के साथ सुना। अब हम इस नज़म को समझने की कोशिश करेंगे। आता अपन सर्वानी ह्या कवितेला ताल सुरात ऐकला आणि आता अपन ह्या कवितेला समजून घेऊ। कविता क्रमांक एक, आनंदाने नाचूया, यानी खुशी के साथ नाचे। इसके शायर है के ना खिड़े। दो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, देखो दोनों तस्वीर के अंदर बच्चे जो है तो नाच रहे हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं। आनंदाने नाचू या ऐका वाचा, सुनो और पढ़ो, यानी चलो दोस्तों तालुकात वालों, हमारे जो गड़ी है जिसको शायर ने यहाँ गड़ी से तशबीह दी है, वो शायर कहता है कि हम लोग अंदर बच्चे खेल भी रहे हैं और नाच भी रहे हैं। आनंद आने नाचू या, दो तस्वीर है, फिर से हम लोग तस्वीर को दोबारा देख रहे हैं। सब लोग अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चे गाँव के अंदर कैसे खेल रहे हैं। नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं और इस तस्वीर में बाई तरफ देखें तो कुछ लड़कियां हैं जो नाच रही है। तो शायर ने जो कहा है आनंद आने नाचू या, तो इसी मुशाबियत से यहाँ दोनों तस्वीर हमको नज़र आ रही है। आनंद आने नाचू या, बाग चिमकली फूले उमल्ली सुंदर फूल ली, यानी बाग चमकने लगा और फूल खिल गए, सुंदर फूल ली यानी खूबसूरत फूल। दोनों तस्वीर के अंदर हम समझ रहे हैं कि ऊपर की तस्वीर के अंदर बाग की तस्वीर दी गई, नीचे फूल की तस्वीर दी गई। शायर कह रहा है कि बाग चमकने लगे, फूल खिलने लगे और खूबसूरत फूल आने लगे। यहाँ शायर ने जो है तो एक बाग का मंजर लिया है और बहुत सारे फूलों का तस्करा किया है। फुलान सार के हो या फुलान बहुत ही नाजुया, यानी शायर कहता है कि फूल के जैसे हो जाए, फूलों की तरह हो जाए और फूलों के गिर्द फुलान बहुत ही नाजुया, यानी फूल के गिर्द जाकर नाचे। तस्वीर के अंदर देखो, हम लोग ऊपर की तस्वीर में देख रहे हैं, ऊपर की तस्वीर में फूल है
और नीचे की तस्वीर के अंदर कुछ लड़कियां हैं जो नाच रही है, और नीचे की तस्वीर है जहां पर बच्चे जो है तो फुलान बहुत ही नासोया, यानी वो जो है तो झाड़ के अतराफ, फूलों के अतराफ, गार्डन के अतराफ के अंदर खड़े हुए, तस्वीर के जरिए से हम लोग समझ सकते हैं। फुला बहुत ही भूंगे फिरती गानी गाती, यानी फूल के आसपास जो है तो, फूलों के गिर्द जो है तो कीड़े घूमते हैं और गाने गाते हैं। और भूंगी फिरती ये जो है एक किस्म का कीड़ा है जो दरख्तों पर रहता है, फूलों पर रहता है। इससे पहले भी हम लोग पिछली नज़म में इसको समझ चुके हैं। फुलान बहुत ही भूंगे फिरती गाने गाती, यानी फूल के अतराफ में, फूल के गिर्द में जो है तो भूंगे फिरते हैं, कीड़े घूमते हैं और वो गाने गाते हैं। तसेच आपन हो या ताल धरोनी नाचो या, यानी हम भी वैसे हो जाए और ताल सुर के अंदर जो है तो हम लोग नाचे। तसेच आपन गाऊ या ताल धरोनी नाचो या, तसेच आपन गाऊ या, यानी वैसे ही हम गाएंगे और ताल धरोनी नाचो या, ताल सुर के साथ नाचे। आभाळाचे तरह तरह चे रंग मजे चे, आभाळाचे यानी आसमान के तरह तरह के यानी किस्म किस्म के रंग मजे जी। आभाळ यानी शायर ने यहाँ आसमान से तशबीह दी और अलग अलग किस्म का जो है तो इसने मंजर शायर ने यहाँ लिया है। और रंग मजे जी इसके अंदर जो है तो बहुत किस्म के रंग होते हैं। गार्डन के अंदर हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कई किस्म के फूल हैं, कई किस्म के दरख्त हैं, और वहाँ हम लोग जाते हैं तो खुशी का इजहार करते हैं, हम लोग को खुशी महसूस होती है। आभाळ आचे तरह तरह चे रंग मजे चे, यानी आभाळ यानी आसमान, तरह तरह चे यानी किस्म किस्म के रंग मजे थे, रंगों की बहुत सारी किस्में हैं। जैसे हम लोग ने देखा है कि रोज़मर्रा जिंदगी के अंदर हम लोग रंगों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे हम लोग कहते हैं कि भाई इस कलर्स मेरा फेवरेट कलर ये है, मुझे ये रंग पसंद है। तो उसी ताल्लुक से हम लोग यहाँ हम लोग बाग के अंदर घूमने गए तो बहुत सारे हम लोग वहाँ अलग अलग किस्म के फूल देखते हैं, फल देखते हैं, और फिर वहाँ हमारे जहन में आता है कि मुझे लाल कलर का फूल पसंद है, मुझे ग्रीन कलर का फूल पसंद है। तो ये बात समझ में आई कि भाई हम लोग यहाँ शायर कहना चाहते हैं कि वहाँ रंग का तस्करा शायर ने किया है। तो इस तस्वीर के अंदर हम लोग समझेंगे रंगांचे नावे यानी रंगों के नाम, अनुक्रमा नंबर शुमार 1, 2, 3, 4, 5 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ रंग दिए गए हैं। रंग पहला जो है तो काड़ा, जिसको मराठी में हम लोग रंगांचे नाव, मराठी में काड़ा और उर्दू में काला कहते हैं। और फिर जो है तो पीला कलर दिया गया जिसको मराठी में पीड़ा कहते हैं, और फिर यहाँ लिखा गया नाम में पीला। और फिर लाल कलर दिया गया रंगांचे नाव लाल, और उर्दू में कहा गया लाल। फिर यहाँ हरा कलर दिया गया हिरवा, और फिर जिसको उर्दू में लिखा गया हरा। और सफेद कलर दिया गया उसको मराठी में लिखा गया पांडरा, और रंगों के नाम में लिखा गया सफेद। नीला कलर दिया गया और उसको जो है तो उर्दू में नीला कलर लिखा गया। ऐसे ही हम लोग यहाँ आज रंगों के ताल्लुक से समझ चुके हैं कि भाई मराठी में थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में कहा जाता है और उर्दू के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में कहा जाता है। जैसे हम समझेंगे रंगांचे नावे, काला कलर मंजे काला कलर, पीवड़ा कलर मंजे पीला, लाल कलर मंजे लाल रंग मंजे लाल, हिरवा रंग मंजे हरा, पांडरा रंग मंजे सफेद, और नीला रंग मंजे नीला। तो ये कलरों के नाम, रंगों के नाम हम यहाँ समझ चुके हैं। आता नंतर आपण पाहूया ह्या गोष्टीला, आणि आपण जे कलर पाहतो, जे रंग पाहतो त्याच्यात विविध अनेक प्रकार असतात, आणि जे आपण आता बघितलं जे प्रकार आहेत त्या प्रकारमधून ते नावामधून काही असे आहेत की काही गडद असतात, गडद असतात आणि काही फिक्कट असतात। तर आपण ते समजून घेऊ। जैसे हम लोग पैचित खाए, इसी तस्वीर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया। रंग छटा यानी दो हिस्से किए गए, एक कलर है एक रंग है, और उस रंग को दो हिस्सों के अंदर बांट दिया गया। जैसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं, हम लोग कहते हैं कि मुझे रेड पसंद है, लेकिन रेड डार्क रेड पसंद है। कोई कहता है मुझे रेड पसंद है, लाल पसंद है, बट वो लाइट पसंद है, लाइट यानी हल्का सा।
तो हम उसको यहाँ समझेंगे। इस तस्वीर के अंदर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अनुक्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर यहाँ रंग दिए गए काला, पीला, लाल, हिरवा, पांडरा और नीला, जो कलर्स रंग यहाँ दिए गए और उन रंगों के यहाँ पर रंगांच नाम, फिर उन रंगों के यहाँ नाम दिए गए काला, पीला, लाल, हिरवा, पांडरा और नीला। आता जे है तो गलत रंग आणि फिकट रंग। गलत रंग म्हणजे थोड़ा गहरा और फिकट यानी जो है तो थोड़ा सा हलका। आता काला कलर, काला रंग म्हणजे काला कुट, याचा गलत रंग होतो काला कुट यानी गहरा काला, और जिसको कहेंगे कालसर, हल्का सा, जिसको लाइट कहते हैं हम लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर। पीला, पीला धमक, इसका गलत कलर जो रंग जो है वो पीला धमक है और फिकट है प्योर सर। लाल, हा लाल जे रंग है, लाल सा गलत है, लाल भक्क, लाल का जो है तो गहरा रंग जो होगा वो लाल भक्क होगा और हल्का सा जो होगा वो लाल सर होगा। तसेच है हिरवा, हरा जो है तो हिरवा कंस यानी हिरवा गार और उसका हल्का जो है तो हिरवट होगा। पांडरा यानी पांडरा जो है तो सफेद कलर, सफेद रंग, और पांडरा शुभ्र यानी प्योर सफेद और उसमें हल्का होगा फिकट पांडरट यानी हल्का हल्का व्हाइट, हल्का हल्का सफेद। उसके बाद आखिर का जो रंग है वो नीला है और नीला रंग को गलत कलर बताया गया नीला शार और फिकट कल, फिकट रंग में बताया गया नीलसर। सला सला रे पाहूया आनंदाने नाचूया। आता कवि काय म्हणतात, सला सला रे पाहूया यानी चलो चलो देखेंगे। ऊपर की तस्वीर के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है तो जा रहे हैं, और आनंदाने नाचूया नीचे की तस्वीर के अंदर कुछ जो है तो लड़कियां नाच रही है। तो शायर कहता है कि सला सला रे पाहूया यानी चलो चलो देखेंगे और खुशी के साथ नाचेंगे। इस नज़म के अंदर हमने जो है तो बाग का तसव्वुर समझा और खुशी का इजहार समझा। इसी के मुतालिक कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसके मानी अगर हम तो स्लाइड के अंदर हम लोग उस अल्फाज के मानी समझें। शब्द यानी अल्फाज, अर्थ यानी मानी। मराठी के अंदर जो अल्फाज दिए गए उस अल्फाज के मानी हम लोग यहाँ समझेंगे। क्रमांक एक आई का, इसको उर्दू में कहेंगे सुनो। आई का याला उर्दू मध्ये म्हणतात सुनो। क्रमांक दोन वाचा, वाचा याला उर्दू मध्ये म्हणतात पढ़ो। क्रमांक तीन आनंदाने, याला उर्दू मध्ये म्हणतात खुशी से। क्रमांक चार फुले, याला उर्दू मध्ये म्हणतात फूल। क्रमांक पांच सुंदर, याला उर्दू मध्ये म्हणतात खूबसूरत। आणि क्रमांक सहा फुला भोवती, याला उर्दू मध्ये म्हणतात फुलो की गिर्द। सात भुंगे, याला उर्दू मध्ये म्हणो एक किस्म का कीड़ा। क्रमांक आठ आभाळाचे आसमान के, तरहे तरहचे याला उर्दू मध्ये म्हणतात किस्म किस्म के यानी मुख्तलिफ किस्म के। या कवितेतील आपण जे कविता समजलो त्याचे काही प्रश्न आहे आणि त्या प्रश्नाचे आपल्याला उत्तर द्यायचे आहे। तर पहा मुलांनो, प्यारे बच्चों, जिस नजम को हमने अभी समझा है इसी नजम के हमको सवाल के जवाब देना है। प्रश्न क्रमांक एक, सवाल नंबर एक, योग्य जोड़िया लावा, सही जोड़िया लगाइए। आनंदाने, भूंगे, रंग, बाग, गानी। दूसरी लाइन मध्ये दिलाए चिमुकली, गाती, फिरती, मजे चे, नाचूया। आनंदाने नाचूया, बहुत अच्छे बेटा, हम लोग जोड़िया लगाएंगे आनंदाने नाचूया। दूसरी भूंगे की टोपी, फिरती, भूंगे, भूंगे, फिरती, भूंगे, फिरती। रंग, रंग, मजे चे,
वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाघ चिमुकली, बाघ चिमुकली, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गानी गाती, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप लोग सभी बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हो, एक्सलेंट। नेक्स्ट इसी को हम लोग अभी आगे देखेंगे, हमने जो जोड़ियां लगाए हैं वो सही है या गलत है। देखो हमने जो जोड़ियां लगाई है आनंद नाचु, सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, आनंद ने नाचु, रंग बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे हैं। अगला सवाल है हमारा प्रश्न कर्म, छोटी समान अक्षर असनाय कविता को, इस रंग के मुतालिक आपको जो भी कहना है वहां पर हमको इसको फील करना है। तो कौन बता सकता है बेटा? प्यारे बच्चों जैसे रंग है, अब रंग से जुड़ता हुआ हम क्या लिखेंगे? सिर्फ हमको चार रंगों के नाम लिखेंगे या इसके अलावा और कुछ लिखेंगे? आप लोग बताइए। प्यारे बच्चों आप लोग समझिए, जैसे यहाँ दायरे के अंदर रंग लिखा हुआ है तो ऊपर के हिस्से में क्या लिखेंगे, नीचे के हिस्से में क्या लिखेंगे, दाई तरफ क्या लिखेंगे, बाई तरफ क्या लिखेंगे? कौन बताएगा? देखो मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये रंग लिखा हुआ था, इस रंग के मुतालिक हमने जो है जो चीजें समझी है, तो ऊपर हिरवा रंग, नीचे नीला रंग, इस तरफ लाल रंग और इस तरफ काला रंग। ये बात हमारे समझ में आई कि दायरे के अंदर जो रंग लिखा हुआ था और हमको जो है चार रंगों के नाम लिखने थे। हम जो है जैसे यहाँ पर स्लाइड पर चार रंग लिखे हुए हैं, चार रंगों के नाम, इसके अलावा भी बहुत सारे रंग है, उन नामों को भी हम यहाँ लिख सकते थे, बट यहाँ स्लाइड पर सिर्फ चार ही नाम पूछे थे और यहाँ हमने सिर्फ चार ही चुनिंदा नामों को लिखा है। वरना इसके अलावा अगर आपके जहन में हो कि सर आपने यहाँ पर एक रंग का नाम क्यों नहीं लिखा, तो आप वहां पे वो रंग का नाम भी लिख सकते हैं। गृह कार्य, गृह कार्य यानी कौन बताएगा बेटा? गृह कार्य यानी घर काम। या कवितेचा सारांश तुमच्या शब्दात लिहा, सवाल मैंने पढ़ा हूं, सवाल को आपको समझा देता हूं। प्रश्न क्रमांक चार, या कवितेचा सारांश तुमच्या शब्दात लिहा। सारांश यानी बेटा, सारांश यानी खुलासा, इस नजम का खुलासा आपको आपके शब्दों में, आपके अल्फाजों में, आपके लफ्जों में लिखना है। या कवितेचा सारांश तुमच्या शब्दात लिहा, इस नजम का खुलासा आपको आपके लफ्जों में आसान अंदाज में उर्दू के अंदर लिखना है। यह आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को आपको आइंदा होने वाले लेक्चर में हम आपसे पूछेंगे। आपको इस लेक्चर के ये के अंदर बताना है। हम मिलते हैं अगले लेसन में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त पर हाजिर रहे। प्यारे बच्चों जो होमवर्क आपको दिया गया, इसको ऊपर दिया गया जो होमवर्क है, या कवितेचा सारांश तुमचे शब्दात लिहा, इस सवाल के जवाब को आपको तैयार करना है, आपके क्लास टीचर को बताना है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इस सवाल के ताल्लुक से पूछेंगे और आपके होमवर्क को चेक करेंगे। ग्रुप पर इस होमवर्क को आपको शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़, हम लोग अगले लेसन में मिलते हैं।